जानता है सिद्धू मूसे वाले को? दूसरे में मैच होता है आसमान से गिरे कुछ बैठ के। लो जी देखो हिमाचल दे ड्राइवर दा कोई तोड़ नहीं। अरुण भाजी साडे गड्डी चलाउंदे होए चक तो फटे पैर पैर मोर चक दिया रब वल नूं। गाइस अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मेरा गला थोड़ा ठीक हो गया है, तो मैं आपको अपना रूम दिखाता रात को, आपको पता लगा होगा खास। तो कुछ अब इस प्रकार का अपना रूम है। तो मैं तो काफ़ी टाइम का उठ गया हूँ, बट ये सब सोए पड़े हैं, तो ये कुछ गंद गुंद पड़े अपने कमरे में। और ये खिड़की है भाई व्यू के लिए मस्त। तो गाइस नहा धो के हो गया हूँ मैं तैयार, तैयार तो गया हुआ मैं, ऐसे डाल लिए कपड़े, अभी ये नहाएंगे सारे, फिर हम कुछ खाने पीने जाएंगे, फिर उसके बाद हम अलग लोकेशन पे जाएंगे जो आपको वीडियो में आने वाली, वीडियो आगे आगे वीडियो लग जाएगा पता। भाई वो खोलने को जा रहा है पूरी तोड़ तोड़ पैच हो पागल सही में घुस गया ना कह रहा एक बार खोलने तो दे कोई दूसरा भाई ऐसी क्या बनिया तो नहीं आई है। देखो आइस बंदर आगे दोबारा बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो अभी हमारा प्लान बना कुफरी जाने का, तो हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे कुफरी। हमारा ड्राइवर आ चुका है बट हमारे टीम मेंबर चल ही रहे हैं। देखो देखो ओए मैं कुछ बोल रहा हूं यार रुक जा। गाइस हम तैयार हो गए काफी टाइम बाद, 7 बजे उठे थे, अभी बज रहे हैं 10 बज गए, 15 मिनट अभी 10 बजने को। तो अभी हम तैयार दूर हो गए, सब अलग अलग जगह पे है। एक बंदा देखो अभी संडास से होके आ रहा है। काफी अच्छी धूप आई है यहाँ पे, हम उम्मीद आए थे बर्फ की लेके, बट बर्फ हमें काफी दूर मिलेगी, बट चलो जहाँ पे मिलेगी हम देख के जरूर आएंगे। चलो गाइस वी हैव लीव मम्मी एंड डैडी बिहाइंड, दे आर फाइटिंग अबाउट समथिंग, वी रियली डोंट केयर, लेट्स एक्सप्लोर शिमला। एंड सबसे पहले खाना पीना करेंगे क्योंकि सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सर गाइस तो आज हम आपको आज का हमारा प्लान बड़ा सिंपल है, हम पहले ब्रेकफास्ट के लिए कोई जगह ढूंढेंगे, पेट पूजा वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमारा कुफरी का टूर है, वहाँ पे हमें 3-4 जगह दिखाएगा गाड़ी में और हम वो जगह आपको भी दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, अंदर आ गए, कैमरा नीचे रखो। ओहो बंदर, दोनों ने भाई बंदरों के डर से मिस्टर ट्राइपॉड से फोन छुड़वा दिया। और सामने देखो बंदर भाई, रात को इतना खास व्यू हमें दिखानी पड़ रहा, अभी भाई बहुत सही व्यू आ रहा है यार। ये ट्राइपॉड अंदर रख ले यार, अबे चुपचाप रहा है, मेरा ट्राइपॉड है लेके चल जाए, मेरे को नहीं है दुख, तू चुप। गाइस हम चल पड़े गाड़ी को ढूंढते हुए। गाइस आ गई अपनी गाड़ी, ये शूटिंग वगैरह करता रहेगा, बस चुपचाप रहा है। अभी हम डला रहे तेल गाड़ी में थोड़ा सा। यस अभी वेरी नाइस, कोई शब्द ही नहीं है बंदों के पास, शब्द बहुत है, शब्द मेरे गल पता की है, मैं बोलता पंजाबी, ये बोल रहे हिमाचली तो हिंदी, जेड़ा वो दोनों का मिक्सचर है, वो जो मिक्सचर मिल जाता है वो दिक्कत करता, चुक्की कर देना फिर तो कोई नहीं होगा नेड़े, फिर तो बस घर बोलो। तो अभी हम पहुंचे ग्रीन वैली, कुछ कहना चाहेंगे आप ग्रीन वैली के बारे में? मुझे डर लग रहा है, मुझे हाइट फोबिया है यार, मैं कहां फंस गया। अच्छी को कोई नहीं, कोई डरना नहीं है, डरना नहीं है, बिमल खिलाएंगे अब आपको, बिमल बिमल या विमल, हाँ नहीं तो जर्दा, जो खाए जर्दा 100 साल ही मरदा, ऊपर वाला गला ठीक कर ले, बुलेटी ले बुलेटी, हाँ यार आप पूछेंगे गाइस मेरा गला ठीक होना के नाम नहीं ले रहा, बुलेटी लेंगे आगे हिमाचल में बेसिकली हम। तो ये कुछ यहाँ का एरिया है और ये टेलीस्कोप से लगे हैं भाई, यहाँ आपको ज़्यादा ही गहराइयों में देखना है पेड़ों के, बट इसका कोई फायदा नहीं है। कितने का है? यार
राम राम भैया। मेरे रिएक्शन भैया एक मिक्स देना हो गया पूरे चैनल का। चलो भैया एक पेटी करनी है आपको और बताना। तो भैया थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरी हुई है, इसको बर्फ देखने का शौक नहीं है, अपने पीछे लगाई देखने बर्फ। अभी तो मौका है, हाथ में पकड़ लियो, इसको दिखा रहे हैं बर्फ है। तो अभी आए हम खाना खुना पेलने और यहाँ लास्ट में बहुत सही व्यू है और यहाँ पे फ्री वाईफाई भी अवेलेबल है, तो हम बैठेंगे वहाँ सामने। देखो बाहर बहुत सही व्यू है, तो चलो चलते मैं व्यू भी दिखाता आपको। तो भाई ये सामने लोकेशन है और यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच के टाइम में हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो अलग बात है, और चलो करते स्टार्ट खाना पीना। तो गाइज ये अपने परौंठे परौंठे आ गए हैं और दही मटर वगैरह आएगा भी और चाय वगैरह। स्नैप मच्छी भैया है तो अभी हम ले रहे शूम के लिए ड्रेस वगैरह। कैसा लग रहा है बर्फ देख के? बहुत बर्फीला लग रहा है। ये भी सेम प्राइस 1000 पर पर्सन है। अगर आप एडवेंचर अम्यूजमेंट बोट सेक्शन लेते हो तो टिकट है 1500 पर पर्सन। नजर आता है जहाँ से आप लोग नॉर्थ हिमालयस वगैरह स्टडी कर सकते हैं, चाइना बॉर्डर्स वगैरह हो गया, बाय टेलीस्कोप रहता है, ठीक है ना, दूरबीन से देखने को। इस तरीके का वैली है हाईएस्ट पीक, ठीक है, जो मेन टाइम है, जो मेन वो आपका शिमला का टॉप पर है, ठीक है ना। फिर रहता है आपका साइड सीन, जो आपका वहाँ पे विजिट करने वाला प्लेसेस है, महेश्वरी माता जी का मंदिर है, महासून पीक है, नागदेवता जी का मंदिर है, फागू वैली है, शूटिंग प्लेस है जहाँ पे फिल्म वगैरह का शूटिंग होता है, स्कीइंग पॉइंट है जहाँ पे स्नो टाइम में स्नो कॉम्पिटिशन होते हैं, 500 का जिप लाइन है, 400 का बंजी जंपिंग है, 300 का वैली क्रॉसिंग है, 200 का है, 150 का है, 1750 के तो एडवेंचर ही एडवेंचर है, फिर 500 रुपए घोड़े का है, 2200 रुपए बनता है। जीतनी है मेरे को एडवेंचर प्लस साइट सीइंग का गंगा रेट बताओ मेरे को। हाइप हो गया मैं सेम एडवेंचर लेके जाओ, 1000 वाला लेके जाओ, जिसको एडवेंचर करना हो 500 में बस घोड़ा मिलेगा, फिर खाली घोड़ा। भाई अभी आए थे हम कुफरी, तो यहाँ पे भाई घोड़ों के हाल देखो बेचारा, घोड़ा कभी लेटता नहीं बट लेट गया है, तो यार बहुत बुरा लग रहा है। चलो देखते हैं वो एडवेंचर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पर्सनल में होगा तो वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि औखा काम है बहुत। तो गाइस कुफरी में हम पहुंच गए हैं, तो हमने कर दिया घोड़े और एडवेंचर वगैरह बुक। वहां गेट पे लड़के घोड़े पे बैठे उधर चले जाओ, वहां लड़का है सेवकराम। तो बस अब बातचीत हो रही है, अब जाएंगे घोड़े पे ऊपर, हमारे साथ दो मोटे बंदे हैं तो उनके बजट के हिसाब से हमें घोड़ा लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे घोड़ों की हालत बहुत खराब है। एक घोड़ा देखा मैंने वहाँ पे, घोड़े का भी लेटते नहीं है भाई, वो लेटा हुआ था, उसके पैर पूर में लगी हुई है, मतलब खराब है बहुत। चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको कैसे कैसे एडवेंचर करेंगे, कैसे कैसे सीन रहेगा, पूरी प्राइसिंग वगैरह मैं आपको बता दूंगा। ओ तो पहला बंदा अपना बैठ चुका है भैया, चलाने के सारे हमारे जा जा वो कैसे लग रहा है सीजन? गर्मी बड़ा घोड़ा मेरा आप सिलाजीत खाते भाई, और चल पड़े बादल अपने, मैं वो हमसे आगे निकलता हुआ घोड़े पे घोड़ा, कदे पे गधा। गाइस फुल मजे है, और देखो ये देखो बेचारा इसके हाल भी गंभीर है, बहुत दुख जा रहा है, बना रहा हूँ सिंपल में ना, एचडी में तो नहीं है, नहीं इसका टीकू टीकू भाई, चलो भाई पका दो, मेरे वाले का नाम शेरू है लास्ट में सारा। रॉकी किसके वाले का नाम है? चल 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 चल, कमान 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 कमान, ओए ओए
गलत ले गया बंदे को, हमारा अलग रास्ते से आ रहा है। चल चल चल, वीडियो बना, मेरी वीडियो बना, मेरी भी बना। हिमाचल सरकार से दरख्वास्त है कुफरी के रास्ते को ढंग का बनाए, ताकि ये सब पहले दिल्ली का। चल 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 चल, ओवरटेक ओवरटेक। भाई देखो इधर कालू, उसमें भी था कालू। मुझे जरूरत नहीं है। हाँ भाई कालू नंबर है भैया, एडवेंचर वगैरह तो नहीं। फोटो जरूर खींचनी, भाई अलग अलग ही गेम है यहाँ पे पैसे लूटने के लिए। पूरे मेले वाला फील है भाई, लगो सारा मेले की तरह है जैसा होता है। और ऊपर यहाँ पे मंदिर है, मंदिर में हम दर्शन करेंगे। और यहाँ थोड़ी बहुत बर्फ गिरी है तो यहाँ पे फोटो शूट के लिए बोल रहे हैं सारे, तो कोई नहीं, अब मंदिर में दर्शन करने के बाद फोटो शूट कर लेंगे। चलो आने दो इनको। और मेरे तो मैं 30 रुपए दे रहा हूँ। जानता है सिद्धू मूसे वाले को? नहीं बच्चे भाई ने, ठीक है। और मेरे पास खिलाते क्या हो इनको भैया? बिस्कुट स्पेशल आता है खाने का, स्पेशल खाने का बस। फीड रहे बच्चे, फीड बस भर भर के रखो इनका पेट जरा। और इतना भी ना भरोगे हम जैसे गंदों के। बड़ा क्यूट है। ओए ऐसे ही जो ये भी इसको तो ये देख। ओए चला यार, वीडियो बनेगी दोस्त। ये असली एडवेंचर चलो भाई चलो एडवेंचर की तरफ। देखो भाई नीचे बर्फ गिरी है, बंदे फोटो शूट कर रहे हैं, हम भी कराएंगे थोड़ी टाइम में। गाइस हम पहुंच गए कुफरी फन वर्ल्ड में, तो मे भी एडवेंचर वगैरह यहाँ होंगे या इससे भी आगे होंगे पता नहीं, बट चलो हम देखते हैं कैसे बनता है। तो भाई यहाँ चला फोटो शूट और वहाँ पे नीचे एडवेंचर हो रहा है। टूट जाए देखा मेरी, देखा स्किल देखा। तो ये जो कुछ ऐसी चीजें हम करने वाले हैं अभी, एक दूसरे का वन बाय वन जाओगे, एक दूसरे का वीडियो बनाना है। नहीं तो वहाँ पे बोला गया था कि वो एडवेंचर वाले वो अपना वीडियो बनाएंगे लटकने के लिए, लटका देंगे हैंगर में। कहाँ वही मिलेगा पहने रखा गाड़ी उसको दे देते शुभम। दिल दिल ने दिया है वो चश्मे का। बाय बैबब, जूम कर दे थोड़ा। अच्छा छोड़ दे नया भोगी बेटा। भैया दो बंदे जा सकते हैं इकट्ठे? चल भाई हाथ हिला दे। नहीं मैं मेरे को नहीं भेजो, उसको भेजो। मैं आ गया। Thank you.
तो गाइस बाकी एक्टिविटीज ये है वो जो हमने देखो क्रॉस करे बंदे और एक क्लाइंबिंग करके नीचे आना है और ये इसको पार करना है वापस आना है और जिप लाइन की तरह कुछ छोटी मोटी एक्टिविटियाँ हमने सोचा जितना उतना हुआ है नहीं एक बंदा और बीच में रखा नहीं रस्सी हाँ थोड़ा सा इधर तक झुक जा और आराम से लेके जा जा रस्सी के ऊपर साइड इधर जा जा शाबाश चिल्लाना ना वो नहीं डाले अभी मैं चिल्लाएंगे अभी हाँ वो लास्ट में जाके गिरा रहा है ना मेरे को अभी डाले भाई पैंट से क्या गिर रहा है कुछ गिर रहा है पैंट भर दी मैं तो आगे फिर मैं यही मारता एक घंटे मोटे पैर चल रहा अरे नीचे देख ले नीचे तो देख ले उधर जाए आ जा पर हिल हिलते हिलते आएंगे अरे हिला हिला आने दे मेरे को आराम से करना अरे क्यों हिल रहा है मैं गाइस आए थे एडवेंचर करने बट लग रहा है एक घंटा व्यर्थ जाएगा तब जाके अपनी बारी आएगी तू चल मैं सो सैड ओए छोरू भाई तो कैसे भाग रहे मेरे गवान पड़ गए भाई 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 अजय अजय वेरी फास्ट आ रहे बस बहुत जल्दी कर दी इसने तो भाई मैं तो गॉड पे नहीं भाई ओए रुक जा अभी ना कूदना जूम कर ले एकदम एकदम जूम कर ले चल कूद यहाँ पे कहाँ मिटते भाई मेरी अजय स्माइल लो जी मेरे भी रहे हूँ क्षितिज गोयल जमुना पार्क का ओए जमुना पार तू पारी आवे बहुत सारा और ठंड लग रही है कल यहीं पे बहुत मजे करता है कोई दिक्कत नहीं है कोई चीज जो आज YouTube पे सर्च मार लेंगे क्या क्या सिस्टम है चुप 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 मुझे मुझे ओए बिल्कुल तुम और कर ले गिर जा ओ ये इसकी सबसे बेकार वीडियो बनी है हट 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 आ जा साथ थोड़ा बैठो बैठो थोड़ा ले ले काम
मैं तो नहीं जा रहा इस पे। चलो फिर वही करते हैं, वो कपल भाई तो बहुत बुरी, बहुत बुरी सांस चढ़ गई है, फट चुकी है ये वाली करके, ये वही करके। अब ये नहीं कर रहे बाजा, छोड़ यार। अरे वो कर रहे थे कपल वाली, आजा जा जल्दी। कुछ भी नहीं खा रहा, भूख भी लग रही बहुत तेज, और वो एडवेंचर और करना है अभी तुमने। पर ये हमारा पहाड़ी ब्लॉगर छोरी मानता नहीं है यार, क्या ये मानता नहीं है पहाड़ी ब्लॉगर। वो कहाँ है शुभम? वो वैसा हम सब मजे कर रहे हैं, इसके दांत में कीड़ा लग गया क्या बोला <बारे? laughs> ये देखो, ये हमारा नमूना सिंह, ये हमारा नमूना है बहुत बड़ा। सो गाइस एडवेंचर करके आ गए हम, तो दो ही एडवेंचर किए, सारे नहीं किए, टाइम की मतलब खपत है हमारे पास थोड़ी सी। और भाई ये बंदा देख रहे हो, किसने भाई सारे पैसे बर्बाद करा एडवेंचर के भाई, 200 रुपये खराब हुए। किन्हें? अच्छा 200, तुमने कौन से सारे करे हैं भाई, सबके पैसे बर्बाद हुए हैं। छोड़ो यार छोड़ो, रात की बात है। बहुत बड़ी ज्यादा लाइन थी, क्योंकि हम वीकेंड पे आए हैं ना, मतलब ऐसे हम एप्पल गार्डन में, तो यहाँ सेब सूब लेंगे हम। बर्फ मिल गई, खेलना रह गए, खेलना भी नहीं होंदे आ, बाकी गए जितने पैंदी नहीं सुनो। तो गाइस वादियां देखो शिमला की, तो यहाँ पे भी एडवेंचर हो रहे हैं, बट हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा। फोटो शूट करते हैं, थोड़ा बहुत तो चलते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, हिमाचल पहाड़ों की चाय सीजन करे हाय हाय। फोन तो तेरा गिर गया था, फोन गिर गया था इसका बर्फ में। हाँ भाई 2 किलोमीटर पहाड़ी में नीचे भागा फिर लेने, फटी हम दोनों की पड़ी थी। क्यों वापस ना आए तो? ना ना अरे पीछे से व्यू देख रहा था लाइव, खाना खुना कर लिया हमने, तो अभी हम जाएंगे ऊपर माता रानी के दर्शन करेंगे मंदिर में, फिर नीचे जाएंगे क्योंकि टैक्सी वाला हमारा वेट कर रहा है, और फिर आगे का हम बताते हैं क्योंकि अभी हमें खुद नहीं पता। और यहाँ का मेन्यू पैर बचा लो, पैर स्लिप हो रहा है भाई, मैं तो नहीं। अरे यार हटना, ओए यार तू पीछे का हाथ लग गया साला, मेरे को मर गया मैं। चल चल चल, ओ भाई मेरे कपड़े गीले, मैं तो आने बर्फ सोची वीडियो नहीं बनी होती तो। ओ भाई हाथ सुन, एक मिनट इधर इधर इसको देख, इसको देखो भाई, ओ मैं कपड़ों के अंदर बर्फ चली गई। शिवम यहाँ भी रो रहा है, लो जी 11 ही। टट्टी कर दी गाइस, तो गाइस हमारे टीम मेंबर ने डायपर नहीं पहना था, ना ही अंडरवेयर। मोमोन क्या मोमोन ने जाना है? खुदाई कर रहे हैं भाई। गाइस हमारी टीम के दूसरे मेंबर भी फिसल चुके हैं। मुड़ियो दिखाइयो, दोनों मुड़ो दोनों, ओ देखो। इसको गिराओ, इसको गिराओ। अरे ना ना ना,
बस चलो चलो दिखाओ दिखाओ हैंकी दिखाओ हैंकी दिखाइए किस्मत नहीं ये खराब है भाई तू गिरेगा तो उस रीजन बर्फ चिपक गई टका के रखियो टका के पिछवाड़ा भाई फोटो खिंचाने का संघर्ष देख रहे रुमाल बिछा के खिंचा रहे फोटो तो गाइस पहुंच गया मंदिर तो गाइस मंदिर के टॉप से वादियों का नजारे वादियों के नजारे सॉरी मासू पीक और जय मासू नाग देवता। तो भाई ऊपर से कुछ ऐसा लगता है नीचे का मेला मेला स्टॉल्स बोल साले मेला ही है भाई हमारे वहां इसको मेला बोलते हैं ये तुम्हारा वहां नहीं है ना हिमाचली आए ट्राइपॉड दो ट्राइपॉड दे जा सृजन सिटी दिल गिर गया और गोलियों के बाद उनके टट्टी कर दी बीच में क्षितिज हां था 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 मुंह भी टूट गई ये का रिकॉइल है दुर 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 मुंडे 11,000 फुट ते मार देने फैर मुंडे कहंदे ने गैंगस्टर गैंगस्टर व्हील वाली है गाइस अभी हम लिपते हुए कपड़ों को बर्फ और रुमाल की सहायता से ये है बर्फ और ये जादू यह है जादुई टोटके हमें मंदिर के बाहर पड़ा हुआ मिला जब तक तुम्हें कोई बोलता रहा तब तक तुम साला रोता रहोगे जब तुम्हें कोई बोला तो ये मंदिर इस प्रकार का है कुछ अंदर से सामने हनुमान जी यहाँ माता जी और यहाँ पे नाग देवता का मंदिर जो साल में एक बार ही खुलता है इसलिए इसको बंद रखा जाता है। तो हमने प्रसाद वगैरह ले लिया मत थमता टेक के हम फ्री हो गए हैं तो चलते हैं अब। तो ये नाग देवता का मंदिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रुके हम शॉपिंग के लिए ये कितने तो यहाँ से ले रहे हैं हम बट अगर आपसे मिला आएंगे तो यहाँ पे जरूर आना दादी जी से जरूर लेना बहुत चीप रेट पे दे रहे हैं नीचे लोग यार तो बहुत कॉस्टली मिलेंगे बट यहाँ पे आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। हमने देखो एक कैप भी ली है ये कैप है क्या सही लग रही है और थोड़े बहुत हमने चले वगैरह 5-6 हमने पेन ले लिए तो 5 ये लॉकेट ये 5-6 वो लॉकेट की चेन और 2-3 चीज़ें ये ले लिए है। बट अगर आप कभी भी आओ तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो मंदिर के सामने यहाँ बोर्ड लगाए देखो ये बस उसके साथ में यहाँ शॉप है लेके आया देखो ये सामान है। तो गाइस एक छोटी सी समस्या हो गई है अपना गोरिल्ला ट्राइपॉड लापता हो गया है जिसका हमें थोड़ा बहुत दुख है और कुछ नहीं है ज्यादा पता नहीं हमारी लापरवाही के कारण वो कहां गुम हो गया भारी नुकसान कोई नहीं कमी थोड़ी है कमी थोड़ी है देखो कोई पैसों की छोड़ हां हां जो होता है अच्छे के लिए होता है बुनवारों में जो क्या है हम यहां पर हम यहां से देखेंगे नेपाल ने चाइना का बॉर्डर चाइना इंडिया बॉर्डर उसने कर दी बोलने का मालूम है बोल का मार्केट में बच्चा ने बोल रखा है मेरे को बंद करने का टाइम हो गया दूरबीन 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 तो यहाँ हम यहाँ पे नेपाल का सॉरी चाइना का बॉर्डर देख रहे चाइना इंडिया का तो वही यहाँ से क्या व्यू आ रहा देखो राउंड में तो यहाँ फोटो शूट करते हुए चलते हैं चाइना का बॉर्डर देख के सबसे पहले बना मार्शल वाली शूटिंग प्लेस कब बना ये देखो नेक्स्ट फोर्ट ये कहाँ का है ये दुर्गा माँ टेम्पल 5 पांडव के वक्त की स्थापना
जब पांच पांडव हिमालय गए थे तब उन्होंने पहला शूटिंग प्लेस या शूटिंग प्लेस पहले शूटिंग प्लेस माँ शिरावाली टेम्पल, दूसरा दुर्गा माँ टेम्पल, पांच पांडव के वक्त की स्थापना, तीसरा शिमला एग्रीमेंट कॉम्प्लेक्स, ओके ठीक है, पाकिस्तान के बीच शिमला कामरू कामाख्या मंदिर, असम वाली माता का दूसरा मंदिर, फिर उसके बाद एप्पल का उत्पादन, रिचेस्ट एंड ब्यूटीफुल विलेज, कौन सा वाला, ये वाला तीरदार चंदन की लकड़ी से बना, अच्छा फिर आपने देखना हाईएस्ट पीक ऑफ शिमला, हाईएस्ट पीक ऑफ शिमला शीतला माँ मंदिर से, ठीक जो टॉप पे आप मंदिर देख रहे हैं हम यहाँ से शीतला माँ का, उसी शीतला माँ के नाम से शिमला का नाम पड़ा है, चलो दिखाते हैं अगर दिख जाए हट हट ये थोड़ा बहुत दिखा दिया आपको, और लास्ट है ये क्या अंकल, अच्छा जो फ्लश किया था जो थ्री इडियट्स मूवी में, गाइस वो फ्लश नहीं किया था, वो अस्थियों वाला सीन था, वो राजा का जो महल वगैरह जो भी है, हाँ तो ये चांचड़ भवन, चांचड़ भवन अपनी घोड़ा गैंग आ चुकी है, बट अपने जो घोड़े पे बैठने वाले चार बंदे वो नहीं आए, पर कहाँ रह गया है, 15-20 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया मेरे को पहुंचे हुए, बट वो आ ही रहे हैं, बट चलो वेट करते हैं उनका कितना टाइम लगेगा उनको आने में, दो तो भाई कीचड़ में गिरा, क्या पता पिछवाड़ा सुन हो गया हो, ये अपना शेरू, ओ शेरू पहलू वाह शेरू वाला, शेरू का मालिक आ गया, तो भाई हमारा दूसरा बंदा बैठा देखो पिछवाड़ा फिट नहीं आ रहा सीट पे मेरे को मिला भी शुभम का कालू रॉकी, और ये बादल, और ये मेरा वाला घोड़ा मिला इसको सतीश को, नहीं नहीं भाई क्या बाल है, कौन सा यूज करते हो, अभी हम है घोड़े में तो लगे हमारे मजे, क्योंकि मायने में जाजे तो कालू जी हमारे बहुत फास्ट चले हैं, सेकंड नंबर पे चले हैं, तो मेरे को लगता है धीरे धीरे ये फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाएंगे, और जितना तो रोड जिससे ये प्रॉब्लम ले रहा बाहर, What's up guys? आपको स्वागत है एक और नई वीडियो में, तो अभी हम घोड़े से जा रहे हैं नीचे की ओर, गाइस तेरा पैसा नहीं उठा पा रहा चक्र, गाइस मजा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई, कोई घोड़े पे आए अक्षी मिलाकर ऐसे, और भाई जो यहाँ गिरे भाई उसकी भाई किस्मत बहुत खराब होगी भाई, पता नहीं कितने हजारों लाखों घोड़ों का गोबर मिक्स हुआ यहाँ पे, उसका लेप है वो गोरा अलग होगा, आई सेफली हम पहुंच गए हैं, तो कैसा लग रहा है, गड़ा खराब है बैठ जाओ, तो गाइस ये होटल मैनेजमेंट वाले मतलब वो देख रहे कॉलेज होटल मैनेजमेंट वाला शिमला का कुफरी का स्नैप पे बना रहे हैं, ऐसे बता रहे गांडे भी गिल्ली करते, तूने सीट भी गंदी कर दी छीती है, सारी एक साइड से गिरा, हां बोटियों पनारियों एक साइड से गिरा, एक साइड का पूरी वाला मतलब देखो भाई सोशल मीडिया आगे से दिखा रहे हैं अपने कांटे दिखा रहे हैं, जो देखो पीछे से कैसी हुई पड़ी है भाई, हक दी है सालों ने रस्ते में घोड़े पर बैठे थे डर के मारे हक दिए दोनों ने ये कहने तेरे पकड़ के जोर में आ लगा हिमाचली ड्राइविंग ये अब गाली गुली चुप रहा भैया गाइस मंदिर हम पहुंच गए हैं, प्रसाद हमने ले लिया है, तो हम नंगे पैर की यात्रा करके आ रहे हैं गाड़ी से निकल के, कुछ ज्यादा
ठंडे पत्थर है। हाँ पैर सुन पड़ गए हैं और ये बंदर मेरे को बोल रहा है यहाँ बंदर है इसके दोस्त। तो अभी बेसिकली हम आया है हनुमान जी के मंदिर में, बहुत से हनुमान जी मिलेंगे हमें, हनुमान भक्त यानी बंदर बहुत मिलेंगे हमें। चलो चलते ऊपर दिखाते हैं आपको क्या सीन ऊपर का। सो गाइस मंदिर पे तो पहुंच गए बट मेरे मंदिर पहुंचते भाई पैर सुन पड़ गया, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की सिल्ली पे चल रहा हूँ। तो ये हमारा मंदिर है हनुमान जी का और वो विशाल मूर्ति है। तो अभी यहाँ पे पूजा पाठ चला हुआ है और ये घंटी हमारी। तो गाइस गाड़ी वाले भैया ने हमें छोड़ दिया है, तो अभी हम जा रहे हैं लक्कड़ बाजार। तो यहाँ थोड़ी पूछताछ हो रही है रस्ते की और यहाँ पे ये वेट वगैरह चेक करेंगे करवाएंगे अपना। 80 वैभव का 80 किलो सीजर 75 और शुभम है अपना 95 60 और मेरा वेट है 60। थैंक यू धन्यवाद। गाइस अभी आए हम लक्कड़ बाजार में, तो यहाँ पे हमें एक शॉप मिली है। तो यहाँ पे भाई अलग अलग वैरायटीज है लकड़ियों की चीज़ों की, तो बहुत सही चीज़ें हैं। तो चलो देखते कुछ पसंद आएगा तो लेंगे हम। और यहाँ पे भाई अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करा सकते हो लकड़ी पर बहुत कॉस्टली है, हम नहीं ले रहे कुछ। अभी खा रहे हैं स्पेशल शिमला के कुरकुरी और मोमोस। मोमोज तो भाई सब पेल गए, मैं कुरकुरी इसकी स्ट्रीक वगैरह बन रहा है कुरकीज कुकरेज कुछ भी बोलो खा लो भाई। मोमो कुरकुरीज और स्प्रिंग रोल खा के हम फ्री हो गए। तो भाई जो स्पाइसी लवर है ना वो शॉप पे विजिट जरूर करना भाई, एक नंबर शॉप है। मैं बहुत बड़ा स्पाइसी लवर हूँ, चारों जितनी मिलके खाते हैं उतना खाता हूँ भाई, मजा। तो ये दुकान है तो यहाँ पे आप आ सकते हो अगर आपको आना हो भाई, बहुत सही तो शॉप है। यहाँ के कुरकुरीज और मोमोज जरूर ट्राई करना। तो ये लोकेशन देख लो, मैं क्या बताऊँ यहाँ पे लिखा है सब कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, तो आप यहाँ आ सकते हो। तो थैंक यू भैया। तो चलो चलते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते, कुछ गला खराब है बट हम खाएंगे। और ये स्नैप लवर भाई, लो 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 एक पेस्ट्री वाले, एक पेस्ट्री खाने वाले हम 5, एक एक चम्मच लेंगे सब। देख रहे हो हमारी, क्योंकि 90 रुपए की एक पेस्ट्री है भाई, लिटरली 10-20 रुपए की मिलने वाली चीज 90 रुपए की। लास्ट में खाने का नतीजा एक दाना मचा बेचारे को। ना गाइस झरना वाटरफॉल जीना नाम कर दिया इन्होंने, मेरे फोन का कैमरा क्या बढ़िया है भाई, फोटो खिंचाने से नहीं हटते हैं। स्टोरेज रही है सारी 8% सॉरी 8% या 8 GB, कल भी वीडियो बनानी है तो एडिट करके एक्सपोर्ट करेंगे तो भाई उसके लिए स्टोरेज चाहिए भाई, समझते ही नहीं है। मैं आ गया भाई वाकई, क्या चलो पीछे से आ रहे हो। चलो अब खाएंगे कुछ, इन्होंने तो खा लिया हल्का फुल्का, उससे मेरा पेट नहीं भरता यू नो हिमाचली। तो अभी खाएंगे हम खाना पीना, फिर आइसक्रीम चाय बंद क्या क्या करेंगे बट करेंगे बहुत कुछ। तो ये अपना शिमला है, मेरे अब चारों तरफ देख पा रहे होने और ये झंडा तिरंगा अपना, और पीछे वो चर्च जहाँ पे हर कोई फोटो शूट करता है। और हर फोटो में देखा होगा कि शिमला का फोन आ गया है, ब्लॉग बना रहा है मैं, देखो खड़े हैं पीछे, ये देखो खड़े हैं ग्रुप पे, ये सूर का झुंड। चलो चलते हैं, बोल रहे कहीं जाने के लिए चलते। हाँ भाई प्री वाटर आरो, देखो अब देखना पानी पीने आ रहे बंदा। ओहो नए नए प्राणी हमारे साथ भी।
हनुमान की मूर्ति देख रहे हैं इस मंदिर में गए थे हम इधर इधर और ये नाइट व्यू ऑफ शिमला। तो अभी हम निकल गए हैं कुछ खाने के लिए, मेरे को बहुत भूख लगी है, ये चिटर पटर खाने से पेट नहीं भरता है। चलो खाते हैं कुछ, मिलता अगर कुछ ढंग का। अभी हम चर्च के नीचे हैं यहाँ पे दूसरे रोड पे, तो अभी हम थोड़ी शॉपिंग शॉपिंग करके आए हैं और आपको मैं दोबारा दिखा दूँ चंडीगढ़ शिमला के नाइट नज़ारे, रात के नज़ारे शिमला के। नेपाली भाई को आ गई है गाय 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 यानी पचीज बह गई है इसको नेपाली को। तभी हम टॉयलेट में घुसे थे सरकारी टॉयलेट में, बट वो बंद था, तो हमारे नेपाली भाई बहुत अपसेट हुए। गाइस अभी हम आए थे खाना पे खाना खुना खाने, बट गुप्ता जी बंद हो गया है और सुबह हमको बहुत काई आई है, मतलब उसका उसकी पचीज बह गई है, तो इसको टॉयलेट ढूंढने की बहुत इसको टॉयलेट ढूंढने में बहुत आपत्ति आ रही है, तो हम भी इसके साथ टॉयलेट ढूंढ रहे हैं। तो शुभम आपको कैसा लग रहा है? टॉयलेट मिल चुका है, शुभम डरना मत, हम साथ में ही है। चलो हमने थोड़ी शॉपिंग की, तो यहाँ पे हम मार्ची से लेटर ले रहे, तो यहाँ पे अंकल बोल रहे अच्छा नहीं मानते सिगरेट ली बंदे ने, उसको भी मार्चिस और लेटर कुछ नहीं दिया। और कुछ लेने के लिए लॉन्डो दूसरा कुछ लेने विमल वी आई एम मोस्ट अनहाइजीनिक होटल, तो यहाँ पे पानी कब का रखा होगा जो भी हो। तो भाई अभी खाना खुना खा के सारा काम करके मतलब फ्री होके आ गए हम, अब बस सोने का काम है और कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे एक स्पेशल बनी छोले कुलचे वगैरह कुछ बनाता है बंदा, तो किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी है क्षितिज ने, तो वो खाने जाएंगे कल हम। तो अभी तो चलते हैं रूम पे और इनको इनके फ़ोटो भेजेंगे, मेरे फ़ोन की रंग मार दी पुष्ट हो भरी हुई है और सो जाऊँगा मैं तो जाते ही, और बस और गले को आराम देंगे और मिलते हैं कल। आज को लग मीडिया इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग पहाड़ी ब्लॉग शुरू, और मिलते हैं अब कल। आज का ब्लॉग इधर करते ख़त्म। अगर आपको शिमला की ब्लॉग अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको इसी प्रकार के अलग ब्लॉग चाहिए हो मतलब चंडीगढ़ के या किसी और जगह के, तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, जल्दी से जल्दी मैं जाने की कोशिश करूँगा। अभी गले के तो बहुत बुरे हाल हुए पड़े हैं, तो गले को इग्नोर मारते हुए आज को करते हैं खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थोड़ी शॉपिंग अब चलते हैं होटल पे। सो गाइस अभी आ गया हम रूम पे, मामे बाद में दिखाना। तो गाइस इन्होंने देखो मामे दिखाए हैं जो मैं बचपन तुम्हारे पास क्या है, और भाई ऑर्बिट का कच्चा फ्लेवर हल्दीराम चौक से कब निकली वो रेड वेलवेट भाई, मेरे को इतना सारा इस पे हम बचपन से यही चीजें खा रहे हैं। कैसे लग रहा था आप इधर को नेपाल में होता ही है सब भाई कच्चा आम की ऑर्बिट कभी देखी तूने भाई? तरस आ रहा है मेरे को बहुत, ये होता है भाई बार के बंदों का हिसाब। चंडीगढ़ में देखी थी यार उसके बाद नहीं, तो पीछे बड़ी वाली दुकान। गाइस अभी मैं रूम पे पहुंचा ही था तो इस नेपाली ने मेरे स्किन कार्ड तोड़ दिया भाई, अभी डलाया था। चलो कोई बात नहीं, और हम ये लाए हैं दूध जो आज का पैकेट है अमूल दूध जो हम पियेंगे अभी, बेशक गले बट तो भी हम पियेंगे। हाँ मैं डाल दूंगा, हिम्मत है मेरे अंदर, हिम्मत तेरी टूट जाएगी।